चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो रोहित शर्मा जो है लीड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या रोहित शर्मा और बाबर आजम का कोई मुआवजा बनता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोहित शर्मा जो है वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, बाबर आजम जो है वो इमर्जिंग प्लेयर है, वो कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। रोहित शर्मा की कप्तानी में पाकिस्तान का क्या हाल होगा? 1 मार्च को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। डेफिनेटली खेला तो जाएगा, बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि बाबर आजम जो है अब एक ऐसी टीम को जो है आगे लेके आए जो हमें आगे मैचेस जितवाएं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेशली देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है उसमें वो आपको लेवल नज़र आता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो नज़र आ रहा है, कि इवन पाकिस्तान का जो ओवरऑल क्राइसिस है क्रिकेट का तो वो बड़ा ही खतरनाक है, मगर मैच को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा होगा तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता, कुछ भी हो सकता। इनका एक ऐसा कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया है, अगर इतना ही शौक है इन्हें तबलीग करने का, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो फिर भाई उसको छोड़ें, आराम से तबलीगी जमात को ज्वाइन करें, ये हमें कहना चाहिए। जो असल इनके क्राइसिस, नहीं कंपैरिजन बनता, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फखर जमान, नहीं उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। रिजवान, रिजवान का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर मैं बात करूं तो पूरी टीम भी आ जाए ना पाकिस्तान की, तो फिर भी रोहित शर्मा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कोई हमारी बैट्समैन कोई भी इतने मतलब इतने कैलिबर नहीं है कि हम रोहित शर्मा के साथ कंपैरिजन करें। वखर जबान का कर लें, रिजवान का कर लें, बाबर आजम का कर लें। अगर आप बात करें, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में ट्रॉफी तो दे दी है T20 की, मगर अभी तक बाबर आजम ने चार वर्ल्ड कप जीते, चारों में कोई परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जैसा के द्वारा जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया गया है कि भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन होंगे, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच चुका है। कह रहे भैया आप चैंपियंस ट्रॉफी भी गई और हमारे धरती के ऊपर आकर रोहित शर्मा हमको मैच हराएंगे, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान की जनता इस डिसीजन के बारे में, हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। वीडियो सना अमजद का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखें। बाबर को रोहित से क्या सीखने की जरूरत है? कैप्टेंसी, डेफिनेटली कैप्टेंसी, क्योंकि रोहित जो है वो उसको ये उसका फोकस ये है कि उसने पूरी टीम को साथ लेके जाए। बाबर जब तक दोस्तियां यारियां अपनी टीम से नहीं बाहर निकालेगा, नए टैलेंट को नहीं आगे आने देगा, तब तक पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं हो सकता। ये देखना कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने कितने सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इसी उम्मीद को आगे जगाते हुए जो है जेशा ने अनाउंसमेंट की है कि चैंपियनशिप जो है, चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो रोहित शर्मा जो है वो लीड करेंगे, उनकी कप्तानी में जो है टीम खेलेगी। उनसे एक उम्मीद बन गई है कि वो जो है इंडिया को जितवा सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, बात एक्चुअली ये है कि उन्होंने अपने एक जो है ना प्लेयर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर रोहित शर्मा ने पीछे मैच हरवाए भी है ना उनको, तो उसको टीम से निकाला नहीं गया। हमारे में ये बहुत होता है कि अगर आपने 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया, आपको चलो जी इसको टीम से बाहर निकाल दो, ठीक है, उसकी जगह नेट लेके आओ। लेकिन आपने देखो कि हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जो PSL में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब आपने उनको इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करवाया, दे कांट परफॉर्म। रोहित शर्मा की कप्तानी में पाकिस्तान का क्या हाल होगा? 1 मार्च को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। डेफिनेटली खेला तो जाएगा, बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि बाबर आजम जो है अब एक ऐसी टीम को जो है आगे लेके आए जो हमें आगे मैचेस जितवाएं, ठीक है। क्योंकि अब देखिएगा, आप अगर आप बाबर आजम जो है ओपनिंग में नहीं चल रहा तो उसको चाहिए डेफिनेटली पोजीशन डाउन करे, 2 डाउन 3 डाउन पे है ओपनिंग पे, इनको जो प्लेयर लेके जाना चाहिए मेरे नज़र में, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर्स का मैच है, लंबी गेम है, उसके अंदर बाबर रिजवानी हमें चाहिए, उसमें फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक से आई थिंक ओपनिंग करवानी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेशली देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है उसमें वो आपको लेवल नज़र आता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो नज़र आ रहा है, कि इवन आप वर्ल्ड कप में इसमें बहुत सारे ऐसे मैच देखते हैं कि इंडिया हारा हुआ है, मगर वो एंड पे जाकर किस तरह से बॉलिंग को लेकर चलता है, कि बुमराह के जिस तरह से उसने ओवर करवाए हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लें, तो आई थिंक वो सारा कमाल 50% जो इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीता है उसमें रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से शायद वो कह रहे हैं कि इसको चैंपियन ट्रॉफी में आगे आना चाहिए। आई थिंक विच इज़ बेस्ट, लीड करेंगे रोहित शर्मा अपनी टीम को, तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चांसेस नहीं है जीतने के। मेरे ख्याल में ये कहना तो मुश्किल है कि पाकिस्तान के चांसेस नहीं है, तो ये क्रिकेट बड़ी डिफरेंट गेम है जिसमें ये तो गेम के अंदर वो मैच के अंदर ही किस तरह से परफॉर्म करना तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मसला है वो जो बहरानी सूरत हाल है, वो जो क्राइसिस नज़र आ रहा है कि हमारी PCB जो है, हमारे वो वज़ीर दाखिला साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, उनके इतने काम है, तो इसी तरह से जहाँ पर हमें ऊपर की सियासत नज़र आ रही होती है वही खिलाड़ी भी सियासत कर रहे हैं, तो किसी ने अपनी लॉबिंग की हुई है, किसी ने अपनी लॉबिंग की है, कोई
कोई कैप्टेंसी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने लोगों को आगे लाने के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल क्राइसिस है क्रिकेट का तो वो बड़ा ही खतरनाक है। मगर मैच को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा होगा तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता, कुछ भी हो सकता। ये कहना कि वो रो रहा है, ये गाने सुन रहा है, तो भाई हाँ ये आप ज़रूर कहें यार, ये खेलने जाते हैं, खेलते कम है, तबलीग ज़्यादा कर लेते हैं, तबलीग करना इनका बड़ा मसला है, खेलते कम है। इधर इन्होंने क्योंकि जो एक प्रोफेशनल प्लेयर उसका और काम है, यहाँ पर करोड़ों रुपया जो हमारे टैक्सों का इनको दिया जा रहा होता है कि ताकि ये बेहतर खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें ये, मगर इनका एक ऐसा कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया है, अगर इतना ही शौक है इन्हें तबलीग करने का, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो फिर भाई उसको छोड़ें, आराम से तबलीगी जमात को ज्वाइन करें, ये हमें कहना चाहिए। जो असल इनके क्राइसिस, नहीं कंपैरिजन बनता, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फखर जमान, नहीं उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। रिजवान, रिजवान का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर मैं बात करूं तो पूरी टीम भी आ जाए ना पाकिस्तान की, तो फिर भी रोहित शर्मा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, कोई हमारी बैट्समैन कोई भी इतने मतलब इतने कैलिबर नहीं है कि हम रोहित शर्मा के साथ कंपैरिजन करें। वखर जबान का कर लें, रिजवान का कर लें, बाबर आजम का कर लें। अगर आप बात करें, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में ट्रॉफी तो दे दी है T20 की, मगर अभी तक बाबर आजम ने चार वर्ल्ड कप जीते, चारों में कोई परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस, कोई हमें वर्ल्ड कप नहीं दिया। मगर रोहित शर्मा ने एशिया कप भी दिया, रोहित शर्मा ने उनको T20 भी, रोहित शर्मा उनको बैटिंग भी सिखाई, रोहित शर्मा उनको बॉलिंग भी सिखाई। बाबर आजम ने क्या सिखाया? बाबर आजम से ये सिर्फ सिखाया कि ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग में परफॉर्मेंस देनी, ये करना आपने, वो करना, दोस्त यारी ले गए, शदाब को ले गए, ये उसको ले गए, कोई परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस की। आपको पता है BCCI के जो चेयरमैन है जय शाह, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो रोहित शर्मा लीड करेंगे, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है क्रिकेट फैंस के लिए? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रोहित शर्मा लीड करेंगे चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में, तो मैं यही चाहता कि रोहित शर्मा ही हो कप्तान, क्योंकि रोहित शर्मा जिस कप्तानी करते हैं हमें देखने का मौका मिल जाता है, रोहित शर्मा विराट कोहली को देखने का मौका, इसमें हम क्रिकेट भी देख रहे थे। मैं यही कहूँगा जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो भी इंडिया के नाम ही है, इंडिया ने आपको यहाँ पर आपके होम ग्राउंड में आपको हरा के ही जाना है, और चैंपियन ट्रॉफी भी विन करके जाएंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी जो है वो जीत के जाएंगे, और रोहित शर्मा की कप्तानी वो भी जीत के जाएंगे, अपनी हिस्ट्री बनाएंगे रोहित शर्मा। और मैं ये कहूँ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, आप भी जो है ना नेक्स्ट टाइम कोई भी आप ऐसा बाहर नहीं कर इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, इसके साथ कंपैरिजन भाई किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हमारे कोई भी 10 खिलाड़ी भी है, 10-12 खिलाड़ी में, 20 खिलाड़ी भी होने, कोई रोहित शर्मा के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही है। 2023 में आप देख लीजिए लगातार हम लोग मैच जीते थे ODI वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन एक मैच हार गए थे, नहीं वहां पर भी एक रिकॉर्ड बना लेते रोहित शर्मा। उसके बाद में आप 24 में देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इसके बाद में आप देखिए खेलने का तरीका आप उनका देखिए, जो स्टार्टिंग में बूस्ट देते हैं पूरी टीम को लगातार बरकरार रहती है। इसके अलावा जो उनके डिसीजन होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल जो मैच चल रहा था वहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह से जो बॉलिंग कराई वहीं से पूरा गेम पलट जाता है, फिर हार्दिक को विकेट मिलता है, मतलब ओवरऑल जो पूरी कैप्टनसी हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, ये बात पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं हेडक वाली है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी टीम आपस में लड़ रही है, बाबर आजम को कोई कैप्टन मानने के लिए तैयार नहीं है, रिजवान को कैप्टन मानने के लिए तैयार नहीं है, किसको कैप्टन बनाए ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सोच परेशान हो चुका है, क्योंकि टीम के लोग ही आपस में लड़ते रहते हैं। और उसको भारत से कंपैरिजन करना, भारतीय टीम से कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बेइज्जती है। रोहित शर्मा से बाबर आजम को कहीं पर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, और यह बात बिल्कुल पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अगर भारत जाता है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो उनकी धरती के ऊपर जब उनको मैच हराया जाएगा वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।